पीएम नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं, जिसका इंतजार यहां के लोग लंबे अरसे से कर रहे हैं। पीएम का आज प्रयागराज और चित्रकूट में कार्यक्रम है। सबसे पहले पीएम सुबह करीब 11 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे। उनके कार्यक्रम को लेकर प्रयागराज में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जहां दिव्यांगों और बुजुर्गों का कुंभ लगने वाला है। पीएम मोदी प्रयागराज के परेड ग्राउंड में दिव्यांगों और बुजुर्गों को उपकरण बांटेंगे। यहां एक साथ 27,000 उपकरण बांटने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनेगा। पीएम यहां चुनिंदा दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के साथ मन की बात भी करेंगे। प्रयागराज के कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी दोपहर करीब 1 बजे सीधे चित्रकूट पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री यहां बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। चित्रकूट के भारतकूप से इटावा के कुदरैल तक ये एक्सप्रेसवे जाएगा। 4 लेन वाले इस एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 296 किलोमीटर होगी। ये एक्सप्रेसवे चित्रकूट को बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा को जोड़ेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लागत करीब 15,000 करोड़ रुपए है। ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को दूर करने में बेहद कारगर साबित होने वाला है। एक्सप्रेसवे के लिए 95% जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। कई जगहों पर काम शुरू हो गया है और अगले 3 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे खुल जाने से यहां के लोगों के लिए दिल्ली जाना भी आसान हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जैसा आप सबको विदित है, और इससे इस परियोजना से हमारा क्षेत्र जो है वो पूरी तरह से इसको लेकर के बहुत उत्साहित है। तो लोगों के लिए ये बहुत बड़ी एक राहत भरी बात है और यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था पर बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ने वाला है इस एक्सप्रेसवे परियोजना के आने के बाद से। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के बाद पीएम मोदी चित्रकूट में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अपने उत्तर प्रदेश दौरे को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया है। मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मैं उत्तर प्रदेश की बहनों भाइयों के बीच पहुंचने के लिए बेहद उत्सुक हूं। प्रयागराज और चित्रकूट में होने वाले कार्यक्रम दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, किसानों के कल्याण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है। पीएम मोदी के उत्तर प्रदेश के दौरे पर उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।